चोपड़ा है जो किसी यूट्यूब चैनल पर, मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो किसी प्रकार की। तो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड वन लिखा होगा, इस न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड वन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको इस प्रकार से मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की यहाँ साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो नीट यूजी रोल नंबर फिल करके, पासवर्ड फिल करके, सिक्योरिटी पिन फिल करके साइन इन कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ही कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है एमसीसी की काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, कैसे पासवर्ड आपको फिल करना है, इसमें चेंज पासवर्ड कैसे करना है, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है। तो इस प्रकार की इसमें सारी कंडीशंस लिखी गई हैं, तो इसको आप रीड कर लें। इसके बाद आई एग्री का नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा और इस आई एग्री पर क्लिक कर दें आप। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके रोल नंबर पूछे जाएंगे। रोल नंबर फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैंडिडेट का नाम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद में सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद में सबमिट करना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये डिटेल फिल करेंगे, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ये जो एडमिट कार्ड में डिटेल्स है वो सही से फिल करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अब इसके बाद में यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने दिया है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो आपने पर्सनल डिटेल दी है। इसके बाद में जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वो यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी भी यहाँ पर शो होगी। इसके बाद में चूज पासवर्ड में आपको पासवर्ड चूज करना है और पासवर्ड चूज के लिए कंडीशन ये है कि 8 से 13 करेक्टर के बीच में पासवर्ड होना चाहिए, यानी इतना लॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए। उसमें एक अपर केस होना चाहिए और उसमें एक लोअर केस होना चाहिए। उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए जैसे 2, 3, 4, 5 और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे डैश वगैरह हो गया, एट दी रेट हो गया, इसके बाद में एंड हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पासवर्ड, अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं, आपको क्या पासवर्ड चूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड अगर चूज करना चाहूंगा तो मैं एक कैपिटल में सी कर लेता हूँ। यहाँ कैपिटल में मैं यहाँ पर सी कर लेता हूँ और एच ओ पी आर ए शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद में ये तो हो गया हमारा एक वन कैपिटल लेटर और बाकी ये स्मॉल लेटर हो गया। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर देना है तो मैं यहाँ पर एट दी रेट ऑफ मैंने दे दिया। फिर न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो मैंने यहाँ पर 1973 यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरा पासवर्ड मैंने अपने तरफ से बना लिया है। आप यही नहीं बनाना है, अपनी तरफ से इस प्रकार का पासवर्ड बना लें जिसमें एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और न्यूमेरिक वैल्यू हो। तो इस प्रकार से ये आपने कंफर्म पासवर्ड इस में भी लिखना है और जो ये सिक्योरिटी पिन है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल के आपने सबमिट और नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट और नेक्स्ट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं यस कर रहा हूँ। यस कर देंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जो मोबाइल आपने एनटीए का फॉर्म फिल करते समय दिया था उस पर ओटीपी आएगा और ईमेल पर भी ओटीपी आएगा जो ईमेल आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था। तो इनमें दोनों में से कोई सा आप एक ओटीपी डाल के यहाँ पर आपने सिक्योरिटी पिन डालना है और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो स्टेप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपकी 12th की वो फिल करनी है, उसके बाद काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन कौन सी आप डीम्ड में करना चाहते हैं, ओलिया में करना चाहते हैं, एएफएमसी में करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है यहाँ पर और उसके बाद में आपने प्रीव्यू चेक करना है और फाइनल सबमिट करना है। यानी कि इन सारी स्टेप्स के साथ में
आपका ये काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी, वो नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमने यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेकंड स्टेप यहाँ शो हो जाएगी। फिल एप्लीकेशन फॉर्म की जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जेंडर आपका ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर आप इसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट नहीं कर सकते। नेशनलिटी ऑटोमेटिक आएगा, जो आपने एनटीए के फॉर्म में फिल कर रखा है वही यहाँ पर आएगा। इसके बाद में रिलीजन आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें सारे रिलीजन यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ये सारे के सारे यहाँ जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये सिलेक्ट करने के बाद में जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, ये पहले जो एनटीए ने आपको दे रखा है एनटीए का फॉर्म फिल करते समय वही आएगा। तो नो है तो नो आएगा, यस है तो यस आएगा, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन में एएमएमसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर एमसीसी के लिए दो तीन बातें बता देता हूँ। वैसे तो मैंने एएमएमसी के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर एएमएमसी के लिए यस करते हैं तो यस करने के बाद में जितने कैंडिडेट यहाँ पर यस करेंगे, एमसीसी उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। एएमएमसी के लिए एमसीसी का रोल इतना ही है कि यहाँ आपको यस करने के बाद वो लिस्ट भेज देगा, नो करेंगे तो कोई लिस्ट में आपका नाम एएमएमसी को नहीं भेजेगा। इसके बाद में जैसे जितने कैंडिडेट्स की एएमएमसी के पास लिस्ट जाती है, वो उनका टॉयलेट टेस्ट लेके, इंटरव्यू वगैरह, मेडिकल वगैरह सब कुछ करके सिलेक्शन प्रोसीजर, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तब तक वो भी अपना रिजल्ट दे देता है। तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं, एमसीसी की काउंसलिंग में भी बने रह सकते हैं और एएमएमसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपकी 600 से अबोव मार्क्स है, एएमएमसी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ यस कर दें। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, जो आप यहाँ फीस डिपॉजिट कर रहे हैं एमसीसी की वही फीस लगेगी। तो मैं इस कंडीशन में यहाँ पर यस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यस सिलेक्ट किया है एएमएमसी के लिए। तो दूसरा ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स इंडियन एयर आर्मेड फोर्सेज से क्या रिटायर्ड है। अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड है तो यस कर दें, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर दें। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद में यस और नो का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर यस करूंगा, जो हमारी स्टेप्स थी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्टेप्स हमने पहले कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 12th की डिटेल्स फिल की जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, 12th की फिल डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर स्कूल ऑब्लिक स्टेट्स लिखा है। तो स्कूल ऑब्लिक स्टेट्स में जिन कैंडिडेट ने जामिया से 10+2 कर रखा है, 11th और 12th कर रखा है, तो वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जामिया वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जिन कैंडिडेट ने एनसीटी दिल्ली यानी एनसीआर से कर रखा है जामिया के अलावा, तो वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जिन्होंने एमयू से कर रखा है वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और इन तीनों में जो कैंडिडेट नहीं आते हैं इसकी कंडीशन में, तो वो अदर सिलेक्ट करेंगे। जिन्होंने जामिया से सिलेक्ट किया है तो उनको जामिया का कोटा मिलेगा। जिन्होंने एनसीटी दिल्ली अदर देन जामिया से कर रखा है, उनको डीयू का स्टेट कोटा 85% मिलेगा और आईपी का 85% उनको स्टेट कोटा मिलेगा। तो ये कॉलेजें जो स्टेट की हैं वो काउंसलिंग में यहाँ एड मिलेंगी आपको। काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिल करेंगे तो आपको, अगर आप ये कर रहे हैं एनसीटी दिल्ली कर रहे हैं, तो आपको एमएमसी का स्टेट कोटा वगैरह ये आपको वहां मिल जाएगा इसमें। इसके बाद में एमयू का इंटरनल कोटा होता है, एमयू सेलेक्ट करेंगे तो आपको एमयू का इंटरनल कोटा मिलेगा। अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर ऑल इंडिया कोटा और ओपन कोटा जो भी है वो मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ जामिया का सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो पासिंग स्टेटस में पास ही लिखा आएगा। तो हमने पहले कर रखा है इसमें एनटीए का फॉर्म फिल करते, इसमें कौन से साल में हमने पास किया वो ईयर देना है, क्लास 12th की स्टेट देनी है और स्कूल और नेम एड्रेस देना है इसमें। तो ये डिटेल हमने इस कंडीशन में भरनी है जब जामिया मिलिया और एनसीटी और अलीगढ़, ये तीनों के लिए इस प्रकार की कंडीशन हमें फिल करनी है यहाँ पर। तो अगर ये हम मैं एनसीटी दिल्ली करता हूँ यहाँ, तो पासिंग स्टेटस पास कर दिया मैंने,
और ईयर 21 में पास किया है, रोल नंबर फिल कर दिया, यहाँ पर दिल्ली कर दिया जिस स्टेट से पास किया है, और यहाँ स्कूल का नाम लिख दिया और एड्रेस लिख दिया, और स्कूल का पिन कोड, यहाँ पर स्कूल का पिन कोड पोस्टल कोड होता है, जो पिन नंबर होता है वो यहाँ स्कूल का हमने फिल कर दिया। तो ये तो कौन सी कंडीशन में हुआ, जब हम दिल्ली से हैं, यानी कि 11 12th दिल्ली से पास कर रखी है। अगर हम अगर अच्छा इसमें अगर हम आगे करते हैं, इसमें नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें डी और आईपी की कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपने 11th 12th दिल्ली एनसीटी से कर रखा है, तो आपने सेलेक्ट करके यहाँ यस का ऑप्शन देना है अगर दिल्ली से कर रखा है तो, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप आगे की स्टेप्स में पहुंच जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन, जो जिन्होंने ये दिल्ली से भी नहीं कर रखा, एमयू से भी नहीं कर रखा है, जामिया से भी 11th 12th नहीं कर रखा है, अदर स्टेट से कर रखा है, तो यहाँ अदर सेलेक्ट करना है उनको। यहाँ पर अगर स्कूल ओब्लिक स्टेट्स लिखना है तो यहाँ स्टेट का नाम लिख दें, आप स्टेट का नाम लिख दें। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो आप यहाँ स्टेट्स का नाम लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया और यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ पर आप स्कूल और स्टेट दोनों का नाम लिख रहे हैं तो भी कोई मिस्टेक्स नहीं है, यानी कि तीनों कंडीशन में ये बिल्कुल सही है, इसलिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पासिंग स्टेटस में पास आपका आएगा ही, और इसके बाद में पासिंग ईयर लिख दीजिए, आप रोल नंबर फिल कर दीजिए, 12th की कौन से स्टेट में पास किया आपने वो स्टेट लिख दीजिए, यहाँ पर स्कूल का नाम और एड्रेस, और यहाँ पर स्कूल का पिन नंबर यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपकी डिटेल्स हो जाएगी यहाँ पर अदर कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली से या फिर एमयू से या फिर जामिया से 11th 12th नहीं कर रखा है उनके लिए है। अब आपको यहाँ पर 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की डिटेल्स फिल करनी है, ये सभी कैंडिडेट को करनी है, जो अदर कैंडिडेट है उनको भी करनी है, जो डीयू का कोटा लेना चाह रहे हैं उनको भी करनी है। तो सभी को फिजिक्स के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो लिख दीजिएगा आप, और इसके बाद में ओपन मार्क्स यानी कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर लिखे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यस पर क्लिक करने के बाद में ये हमारी स्टेप्स पूरी हो चुकी है, हमारी स्टेप्स ये पूरी हो चुकी है, यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल है वो हमने यहाँ फिल कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट डिटेल है सिलेक्टिंग काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है, ये बड़े ध्यान में देखने वाली बात है। आपको यहाँ पर आप कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो गलती भी मैं आपको बताऊंगा, आपको कौन कौन से कोटा के लिए यहाँ करना है अप्लाई। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ऑल इंडिया पर टिक कर दीजिए, 15% ऑल इंडिया कोटा पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके साथ ही आप ओपन सीट्स पर जरूर टिक कर लीजिएगा, अगर आप ऑल इंडिया के लिए इलिजिबल हैं तो आप ओपन सीट के लिए भी इलिजिबल हैं, उतनी ही फीस लगेगी, सारा सब कुछ सेम प्रोसीजर है। ऑल इंडिया 15% आता है, और ओपन सीट में आपके एम्स, जिपमर, बीएचयू, एमयू, ये सारी की सारी कंडीशन, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। तो आप अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ ओपन सीट के लिए भी करना है। अगर आप ये ऑप्शन छोड़ देते हैं, कुछ एक स्टूडेंट ये ऑप्शन छोड़ देते हैं, ऑल इंडिया ही रख देते हैं, तो जब आप च्वाइस फिल करेंगे तो यहाँ आपको एम्स, जिपमर ये शो नहीं होगा, जामिया, एम्स, जिपमर, एमयू, बीएचयू ये शो नहीं होगा। इसलिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए कर रहे हैं तो ऑल इंडिया के लिए आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ओपन सीट का। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए भी करना चाहें तो इस पर भी टिक कर सकते हैं, एएमएमसी के लिए टिक आपका यहाँ ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि आपने वहां पर यस कर रखा था। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पर टिक करना कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीम्ड में लेना चाहते हैं तो डीम्ड का कहें, अदरवाइज ओपन में लेना चाहते हैं तो ओपन और ऑल इंडिया कोटा उसके साथ ही आ जाता है इसमें। अब जो इसकी फीस है, अगर आप यहाँ डीम्ड सेलेक्ट करेंगे, ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करेंगे, ओपन सीट सेलेक्ट करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, यानी कि ये सारे ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो भी आपकी जो फीस है वो 2,05,000 लगेगी यहाँ पर, क्योंकि आपने डीम्ड सेलेक्ट कर रखा है और इसमें हायर फीस लगती है। अगर आप डीम्ड लेना चाहते हैं, 2,05,000 की आप फीस यहाँ डिपोजिट कर रहे हैं, तो इन सभी काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल हैं यहाँ पर।
अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीम्ड सेलेक्ट नहीं करना चाहते, डीम्ड में एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करें और साथ में ओपन सीट भी सेलेक्ट करें, ओपन सीट भी आप सेलेक्ट कर दें, ताकि एम्स, बीएचयू, एमयू के लिए आप इलिजिबल रहें। तो उस कंडीशन में आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ फीस लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 11,000 यहाँ शो होगा। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, तो 5,500 रुपीज यहाँ शो होगा। अगर आप डिम्ड लेना चाहते हैं तो 2,05,000 जो हाई फीस है वो यहाँ पर शो होगी। तो ये फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको बता दूं कि जो फीस है वो जो सिक्योरिटी मनी है 5,000 ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, 10,000 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ये फीस आपकी रिफंडेबल है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1,500 रुपीज या 5,000 रुपीज डिम्ड के लिए, वो रिफंडेबल नहीं है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ काउंसलिंग का सिलेक्शन करें, गलती नहीं करें दोबारा। ऑल इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो ओपन सीट जरूर सेलेक्ट करें, तभी आपको एम्स, जिपमर की सीटें आगे दिखाई देंगी। ये मिस्टेक्स काफी सारे बच्चे यहाँ पर करते हैं। तो हमारी सेलेक्ट काउंसलिंग की स्टेप्स पूरी हो चुकी है यहाँ पर। ओके विश टू सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट फील कॉन्टेक्ट डिटेल पर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ आपने कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल फिल करनी है, सेम है तो सेम परमानेंट एड्रेस पर यहाँ टिक कर देना है और इसके बाद में आगे आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगी। यहाँ पर जो डिटेल्स प्रीव्यू होगी आप उसको एक बार अच्छी तरह से चेक करें, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो सारी डिटेल्स है ये आप एक बार पूरी चेक कर लें। ये जो आपके ऑल इंडिया रैंक यहाँ लिखी हुई आएगी वो आप चेक कर लें। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में आपने एमएमसी के लिए यस दे रखा है, जो आपने ये डिटेल फिल की है वो, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप पूरी की पूरी चेक कर लें। यहाँ पर पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आप आगे यहाँ पर आपने सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अगर इसमें कोई आपकी मिस्टेक्स है तो प्रीवियस में जाना है आपको और उस मिस्टेक्स को ठीक करना है। आपने ये जो चेक किया है प्रीव्यू, अगर इसमें आपको कुछ मिस्टेक्स नजर आ रही है तो प्रीवियस में जाएंगे। आप प्रीवियस में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप प्रीवियस में जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स है वो आप दोबारा से ठीक करना चाह रहे हैं, तो ओके पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। अगर नहीं है तो आप ये आगे यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा कि अगर आपने यहाँ पर एक बार सबमिट कर दिया तो इस डिटेल्स में कोई करेक्शन नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूं कि आप यहाँ यस करने से पहले जो प्रीव्यू है एक बार पूरी तरीके से चेक कर लें, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर आपने एक बार यस कर लिया तो उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मैंने पूरा चेक कर लिया है और सब कुछ सही है, मैंने इसको 3 बार चेक किया है, आप इसको 5 बार चेक करें। यस पर क्लिक कर लिया मैंने, तो इस प्रकार से ये पूरा हमारे पास में इंटरफेस आ गया है। अब इसमें जो डिटेल्स हमने फिल की थी, कैंडिडेट प्रोफाइल पर हम दोबारा से चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी एडिट नहीं कर सकते। कैंडिडेट प्रोफाइल में हमारी सारी डिटेल्स मिलेंगी यहाँ पर। अवेलेबल च्वाइस यहाँ उस समय मिलेगी जब च्वाइसें स्टार्ट हो जाएंगी। ये 14 अक्टूबर से च्वाइसें स्टार्ट होंगी, तभी आपको यहाँ अवेलेबल च्वाइसें इसमें दिखाई देंगी। टोटल अवेलेबल च्वाइस आप फिल करोगे, फील्ड च्वाइस दिखाई देगा, अनफील्ड च्वाइस दिखाई देगा और च्वाइस लॉकिंग स्टेटस दिखाई देगा। तो 18 अक्टूबर को करना है आपको, 3 बजे से रात को 12 बजे तक। च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन भी आपको 14 को मिलेगा, 14 अक्टूबर को, और च्वाइस लॉकिंग का 18 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे मिलेगा। जो आपको सीट अलॉट हो जाएगी उस सीट अलॉटमेंट का स्टेटस आपको यहां पर मिलेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना है। अभी तक हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स, ये सारी फिल की है। अब हम पे करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस का मैंने आपको बता दिया है कि कितनी कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है जो वहां शो हो रही थी। तो जिस प्रकार से आपने अप्लाई किया है काउंसलिंग के लिए, डीम्ड के लिए किया है तो 2,05,000 शो होगी यहाँ। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए किया है तो 11,000, यूआर कैटेगरी के 5,500 रुपए, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो मैंने वहां डीम्ड सेलेक्ट किया था,
तो यहां ऑप्शन दिखाया है 2,05,000 का, मैं यहां पर अब 2,05,000 पे करूंगा। यहां पर ऑनलाइन पेमेंट पर यहां क्लिक करूंगा, आई एग्री पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करूंगा पेमेंट करने के लिए। यहां मेरी डिटेल्स दिखाई गई है। यहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जो स्टेट बैंक से करना है या HDFC बैंक से करना, आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं यहां पर स्टैंडर्ड वाले से क्लिक करता हूं, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड से मैं ये पेमेंट कर सकता हूं, नेट बैंकिंग से कर सकता हूं और वॉलेट से कर सकता हूं, जो एयरटेल मनी का वॉलेट है उससे भी पे कर सकता हूं मैं। तो मैंने पे कर लिया है, तो यहां पे करने के बाद में पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहां आपने जो पेमेंट किया है उसकी यहां पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इसका आप पेमेंट का आप यहां पर प्रिंट भी ले सकते हैं। मैंने यहां पर इसका नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ स्टेटस नोट एप्लीकेबल या नोट अवेलेबल लिख के आ रहा है। तो मैं यहाँ पर यहाँ फीस पे करने के बाद ही चॉइस फिल कर सकता हूँ, उससे पहले मैं चॉइस फिल यहाँ पर नहीं कर सकता। पेमेंट फीस जरूरी है। HDFC बैंक पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो एनी डेबिट कार्ड, एनी क्रेडिट कार्ड और एनी नेट बैंकिंग, मतलब कहने का ये ऑप्शन दोनों एक ही है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कार्ड्स की डिटेल्स है, कितना इसमें हमारे को पेमेंट का जो चार्ज है वो लगेगा ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद में नेट बैंकिंग से करना है तो कौन से बैंक की नेट बैंकिंग से करना है, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर देंगे तो हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको ये पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है ये आपको नहीं दिखाएगा इसमें। तो इस प्रकार से इसमें लिखा भी है कि आपने अभी तक ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट नहीं किया है, पे करूंगा तभी कंप्लीट होगा ये। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने मोबाइल में आपके OTP आया था रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो गया है, यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप इस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आपका लिखा आएगा, सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे यहाँ पर, इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे आपके मेल पर OTP आएगा, वो यहाँ पर फिल करने के बाद में वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर मेल, यहाँ पर वेरीफाइड भी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो ईमेल आईडी वेरीफाइड लिखा हुआ यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, और रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद में चॉइस फिल के लिए हम मिलेंगे आपको 14 अक्टूबर 2022 को। चॉइस फिल करने के लिए अगर आप हमारी बुक की हेल्प लेना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने वो सारी चीजें दे रखी है जो आप जानना चाहते हैं, कैसे चॉइस फिल करेंगे, कौन से टॉप के कॉलेज पहले देंगे, कौन से कॉलेज बाद में देंगे, किस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा। तो ये सारा सब कुछ मैंने बुक में समझा रखा है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी सभी के लिए बुक अवेलेबल है, और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये बुक। तो चॉइस फिलिंग के लिए उस बुक की आप सहायता ले सकते हैं, हमारी बुक की सहायता ले सकते हैं। और इस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है, इस लॉग आउट के ऑप्शन पर आपने यहाँ लॉग आउट कर देना है। फिर से लॉगिन करने के लिए दोबारा से जब आप लॉगिन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी स्टेप्स में आना चाहते हैं, तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड वन पर क्लिक करना है, जो नीचे नीचे ऑप्शन है यहाँ पर। अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर नहीं करना है, आपको यहाँ रोल नंबर डालने हैं, जो पासवर्ड आपने वहां फिल किया था, जो पासवर्ड मैक किया था वो पासवर्ड यहाँ फिल करना है, सिक्योरिटी पिन फिल करनी है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में जैसे ही साइन इन करेंगे आपके मोबाइल पर या रजिस्टर्ड ईमेल जिस पर आप चाहते हैं उस पर OTP आएगा। जैसे मोबाइल पे चाह रहे हैं मोबाइल पर क्लिक कर दें, ईमेल आईडी पर चाह रहे हैं तो ईमेल आईडी पर OTP आएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि आपके OTP बगैर बताए कोई नहीं आपके फोन को ओपन कर सकता है। तो ये आप OTP किसी को भी ना बताएं। इसमें जैसे ही आप यहाँ OTP फिल करेंगे, लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो उसी स्टेप्स में आ जाएंगे, यहाँ से आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आप हमारी बुक की हेल्प ले सकते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, और काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रही है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं हरेक बार हरेक वीडियो के कॉमेंट्स तय करता हूँ, आप मेरे को कॉमेंट्स में लिख सकते हैं आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जहां जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।